अपने आसपास की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल मंच न्यूज को और बेल आइकन दबाएं। दिवंगत वृंदावन में गुरुवार को गुरुकुल मार्ग स्थित ब्रह्म आश्रम पर ब्रज मंडल क्षत्रिय सभा के जिला अध्यक्ष ठाकुर मुकेश सिंह शुक्रवार की अध्यक्षता में सभा के पदाधिकारियों ने विधि विधान पूर्वक हवन यज्ञ में आहुतियां प्रदान कर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रभु से कामना की। हवन यज्ञ के लिए वेद पाठी ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य अग्नि प्रज्वलित की। इसके पश्चात मौजूद सभी पदाधिकारियों ने हवन यज्ञ में पूर्ण आहुति प्रदान की। ब्रजमंडल क्षत्रिय राजपूत सभा के जिलाध्यक्ष ठाकुर मुकेश सिंह शुक्रवार ने कहा कि आज ब्रजमंडल क्षत्रिय राजपूत सभा द्वारा 39 भारतीय जो कि रोजगार के लिए विदेश गए थे, जिनको इराक में ISIS द्वारा बंधक बनाकर हत्या की गई, आज उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन यज्ञ किया गया है। उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि मृतकों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे। साथ ही केंद्र सरकार करते हैं कि हमारे देश में इतने रोजगार और उद्योग की व्यवस्था की जाए कि कोई भारतीय रोजगार के लिए विदेश ना जाए। वहीं सभा के जिला उपाध्यक्ष ठाकुर दिवाकर सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब केंद्र में सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था कि देश में हम बेरोजगारी को मिटाएंगे। कितनी बेरोजगारी मिटी? उन्होंने ऐलान किया कि जब तक शहीदों को 1-1 करोड़ रुपया का मुआवजा नहीं दिया जाता, तब तक महासभा आंदोलनरत रहेगी और चैन से नहीं बैठेगी। जी अतिथि, आज क्या कार्यक्रम है? आज ब्रजमंडल क्षत्रिय राजपूत सभा उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रेशन के द्वारा वृंदावन आश्रम में और जो इराक में हमारे 39 भारतीय जो हमारे भाई भी हैं, उनमें कुछ बुजुर्ग भी हैं, सम्मानित सभी हमारे जो है रोजगार के लिए वहाँ गए थे और इराक के द्वारा उनको बंधक बनाया गया और उनकी निर्मम हत्या की गई, उनके आत्मा की शांति के लिए आज हम लोगों ने हवन यज्ञ किया है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान देना और उनके परिवार को उस कष्ट को झेलने की शक्ति देना और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि उनके परिवार को उचित 1 करोड़ रुपया मुआवजे देने की मांग करते हैं और उनको शहीद का दर्जा दिलवाने की मांग करते हैं। उन्हीं को लेकर के आज समस्त ब्रजमंडल क्षत्रिय राजपूत सभा एकत्रित हुआ है और हवन यज्ञ का कार्यक्रम किया गया है और हवन यज्ञ के माध्यम से भगवान से और ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि ईश्वर भविष्य में ऐसी कोई घटना हमारे भारतीयों के साथ ना हो, ये हम लोगों ने मांग की है और केंद्र सरकार से पुनः दोबारा से मांग करते हैं कि केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि अपने देश में इतनी फैक्ट्री और इतना उद्योग लगा दिया जाए कि हमारे भारत के नागरिक बेरोजगारी के काजें, रोजगार के काजें, बच्चों को पालने के लिए विदेश न जाएं, अपने देश में ही उनको रोजगार दिया जाए। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये मांग करता हूँ कि केंद्र सरकार, जब ये केंद्र सरकार की स्थापना हुई थी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, तो उन्होंने बड़े जोर शोर से देश के कोने कोने में ये बात की थी कि देश से हम बेरोजगारी को मिटाएंगे। आज क्या हो गया उस केंद्र सरकार को कि हमारे देश के लोग दूसरे देश में जाकर अपनी जान को दे देते हैं रोटी कमाने में। क्यों इस केंद्र सरकार को शर्म नहीं आती है? क्या हो गया है? आज उनकी मौत को इतना समय हो गया, उस खबर को भी देने में इनको शर्म महसूस हुई, इतना देरी क्यों हुई? इसकी जांच होनी चाहिए। मैं अपने ब्रजमंडल क्षत्रिय राजपूत सभा के माध्यम से ये ऐलान करता हूं, जब तक शहीदों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा उनके परिवार को नहीं मिलता है, ब्रजमंडल क्षत्रिय राजपूत महासभा आंदोलनरत रहेगी और जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा वे चैन से नहीं बैठेगी। जय हिंद, जय भारत, जय क्षत्रिय समाज। बाबा कड़ेरा सिंह विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी आवासीय स्कूल, ग्राम अखा, गोवर्धन सौंप मार्ग, मथुरा। यहां आपके बच्चों को मिलता है 50 एकड़ में फैला विशाल हरा भरा विद्यालय प्रांगण। CBSE बोर्ड द्वारा 10 परीक्षार्थियों को विशेष योग्यता प्रमाण पत्र, बोर्ड कक्षाओं का 100% परीक्षा फल, NCC एवं NSS की ट्रेनिंग,
छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा, वातानुकूलित भोजनालय, पोषक शाकाहारी आहार, विद्यालय की निजी गौशाला से छात्र छात्राओं हेतु गाय के शुद्ध दूध की व्यवस्था, छात्रावास से विभिन्न 9 राज्यों के 550 छात्र छात्राएं अध्ययनरत, 24 घंटे अनुभवी गार्ड और गनमैन द्वारा कड़ी सुरक्षा, योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य। छात्रावास में छात्र की कुल फीस 80,000 से 1,00,000 तथा छात्राओं के लिए 60,000 से 75,000। अत्याधुनिक एवं सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, आर्ट और कंप्यूटर लैब के माध्यम से शिक्षण कार्य, करंट मैगजीन, न्यूज़पेपर और 5,000 से भी अधिक पुस्तकों से सुसज्जित विशाल पुस्तकालय। शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ साथ छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए 16 विभिन्न हॉबी क्लब जैसे योगा, कुकिंग, जूडो, कराटे, कॉइन कलेक्शन, इंडोर आउटडोर गेम्स और ओपन स्काई थिएटर, कक्षा 1 से 9 और 9 से 11 ऑल स्ट्रीम प्रवेश परीक्षा 18 मार्च 2018 रविवार सुबह 10 बजे से। तो जल्द कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 7055021012, 9557369469।